सबने भाइयों, और आज मैं आपको लेके चलने वाला हूँ बहुत ही बढ़िया सी एक जगह जहाँ पे मिलेंगे सरसों के तेल के खस्ते, वो भी आलू प्याज के, वो भी अपने हाथरस में। तो चलिए दिखाते हैं आपको कि कैसे बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, और टेस्ट करके भी बताते हैं। तो फिलहाल अभी हमें जाना पड़ेगा उसके लिए नीचे अपनी बाइक पे, तो दिखाते हैं रोड के थ्रू सीधे उस जगह को। तो आगे चल दिए हम अपनी बाइक पे और बहुत ही तेज़ी के साथ पहुंच जाएंगे जहां पे हमको जाना है। तो ये जो भुक्कड़पने की आदत मेरी है वो हाथरस में पैदा होने की वजह से है, क्योंकि हाथरस में मिलता ही इतना सारा कुछ खाने को है। तो ये पहुंच गए हैं हम सर्कुलर रोड पे, बिल्कुल कैनरा बैंक के सामने इनकी ढकेल लगती है, ठेला बोल सकते हैं, कार्डबोर्ड बोल सकते हैं, हाथ गाड़ी बोल सकते हैं। और ये देखिए आलू प्याज की कचौड़ी की फिलिंग इस तरह से ये करते हुए, और बहुत ही टेस्टी सरसों के तेल में इसको बनाते हैं। आगे पूछते हैं इन्हीं से कि ये कैसे बनाते हैं। तो सरसों के तेल में ही बना रहे हो सारा? सरसों के तेल। मसाले सब घर गई है, सब्जी वगैरह सब हाथ के। क्या क्या बना रहे अपन? आलू प्याज की और आलू प्याज के दाल गए और आलू के और बेड़ल सूखी सब्जी, गीली सब्जी, रायता और मिर्च, हींग वाला है और लहसुन की चटनी बताना भूल गए। तो दही भी गिरते लहसुन की चटनी भी गिरते। अगर आपको ये वीडियो लगी है अच्छी, मुंह में आ गया है पानी और कर रहा है एकदम बढ़िया नाश्ता करने का मन, तो पहले करो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को करो लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। बिना कमेंट के हमें पता ही नहीं पड़ता कि हमारी वीडियोस आप तक पहुंच रही हैं या नहीं पहुंच रही हैं। तो इस वीडियो को एक लाइक आपकी तरफ से तो ज़रूर बनता है। और ये देखिए कितनी ही अच्छी तरीके से इसको बहुत ही अच्छी तरीके से डीप फ्राई किया जा रहा है सरसों के तेल में, और ये एकदम लाल लाल होके निकलेंगी। तो और ये आदमी के हिसाब से भी बना के देते हैं, मतलब अगर आप कहोगे कि थोड़ी सी मुलायम चाहिए तो ये आपको फ्लफी फ्लफी भी दे देते हैं अगर आपको खानी है तो। कहते कहते मेरे भी मुंह में पानी आ रहा है, और मैं ऑलरेडी दो खा चुका हूँ और वेट कर रहा हूँ कि एकदम गर्म गर्म आए तो एक बार और खाने को मिल जाए। तो जैसा आज ने बताया कि ये सूखी सब्जी, गीली सब्जी, लहसुन की चटनी, दही, रायता, मिर्च, कचौड़ी देते हैं, और अगर आप चाहें तो आप बेड़ई भी खा सकते हैं। तो एक बार ज़रूर आइए, खा के देखिए और इन्जॉय कीजिए। देखो ये मैं भी चुपचाप से इन्जॉय कर रहा हूँ, इधर देखूँगा नहीं कैमरे की तरफ वरना पता पड़ जाएगा मैंने खाया था। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, नमस्कार, बाय।